किशनगंज थाना क्षेत्र के लोहागल स्थित मोबाइल की दुकान में हुई चोरी की नाकाम कोशिश। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है चोरों की तलाश। फौजी बनकर युवक के खाते से निकाले 1 लाख रुपए। सैनिटाइजर की सप्लाई का ऑर्डर देने के बहाने बनाया शिकार। एनएसयूआई द्वारा यूनिवर्सिटी के बाहर विरोध प्रदर्शन कर कुलपति को सौंपा केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन। सभी सेमेस्टर की 6 माह की फीस माफ करने और यूजी व पीजी की शेष बची परीक्षाओं को निरस्त करने की रखी मांग। 3 महीने से राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने पर बेरोजगार युवाओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। किशनगढ़ आवासन मंडल की समस्याओं को लेकर क्षेत्रवासियों ने सौंपा अधिशासी अभियंता को ज्ञापन। राजस्थान में 7 सितंबर से खुल जाएंगे धार्मिक स्थल। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही हेल्थ प्रोटोकॉल का भी करना होगा पालन। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की मौत के आंकड़ों पर सवाल। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के आंकड़ों में दिखाई दे रहा है अंतर। राजस्थान में प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय ध्वज पर लगी रोक। प्लास्टिक के स्थान पर कागज से बने झंडों का उपयोग करने के लिए दिए गए निर्देश। कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर आई सामने। जितिन प्रसाद के बहाने कपिल सिब्बल ने पार्टी पर फिर साधा निशाना। देश में 61,000 से ज्यादा पुलिस बल के जवान है कोरोना पॉजिटिव। मंत्री से लेकर संतरी तक सभी इसकी चपेट में। सीआरपीएफ सबसे अधिक प्रभावित।